हेलो फ्रेंड्स, श्री गणेश भोग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे गरम मसाला। बाजार के गरम मसाले के बजाय घर का गरम मसाला बहुत ही अच्छा होता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए हम गरम मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन को गरम किया है, उसमें हमने 2 चम्मच काली मिर्च डाली है, 2 चम्मच जीरा, 5 हमने चक्रफूल लिए हैं, 1 इंच सौंठ का टुकड़ा, 15 से 20 लौंग, 2 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं, 5 मैंने काली इलायची ली है और 5 मैंने हरी इलायची ली है, 4 यहाँ पे हमने तेजपत्ता लिए हैं। अब हम सारे खड़े मसाले को लो फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे। हम मसालों को ज़्यादा नहीं सेकेंगे, करीबन 2 से 3 मिनट तक सेकेंगे। ये जो मसाला हम घर में बनाएंगे, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। मैं कोई भी मसाला हो घर में ही बनाती हूँ, चाहे वो चाट मसाला हो, चाहे सांभर मसाला हो, किचन किंग हो, सारे मसाले मैं घर में ही बनाती हूँ। मुझे बाहर के मसाले ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे मसाले लगभग सीख चुके हैं। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम मसाले को ठंडा होने देंगे। मैंने एक बर्तन में निकाल के रख दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हमने डाली है जावित्री, जो कि चम्मच के हिसाब से देखा जाए तो 1 चम्मच है। अब मैंने यहाँ पे जायफल और सौंठ दोनों को थोड़ा दरदरा पीस लिया है और मसाले में मिला दिया है, ताकि मिक्सी में आराम से पीस सकें हम। तो हमारे सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। मैंने मिक्सी के जार में मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने मसाले पीस लिए हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा मसाला बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, पर 1.5 से 2 महीने के अंदर इसकी खुशबू ज़्यादा बनी रहती है। जैसे जैसे मसाला पुराना होता है, इसकी खुशबू कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।